जय कन्नडिगर रक्षणा वेदिके तरफ से आज हम कल्याण कर्नाटक HKDP के अध्यक्ष को आज दत्तात्रेय पाटिल रेवड़ साहब को आज हम मनवी दे रहे हैं। मनवी देने का उद्देश्य क्या है बोलो तो, जो 2016-2017 में जो पहले कांग्रेस सरकार में जो अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो मूर्ति है वहाँ पे सुंदरकरण होना बल्कि वहाँ पे अभिवृद्धि होना बल्कि 50 लाख रुपये अन्नदाना रखे थे उसके अंदर, बाद में वो 50 लाख रुपये का वहाँ पे टेंडर 3 बार बुलाया तो कोई टेंडर नहीं दे रहे, उसके बाद बजट जो काम नहीं हुआ बोल के फिर वापस बजट कल्याण कर्नाटक को वापस बजट आया है। इसीलिए आज हम लोग जय कर्नाटक रक्षण तरफ से आज हम दत्तात्रेय पाटिल रेवड़ साहब से मिलके आज उसके बारे में चर्चा करके एक मनवी दे के जो पैसा है वो 35 लाख रुपये बचे हैं, 50 लाख में जो एक वहाँ पे कारंजी बना है उसके अंदर 15 लाख रुपये खर्च हुआ है, उसके अंदर 50 लाख में 35 लाख रुपये बचा है वो वापस आया है HKDP को, और HKDP से फिर कॉर्पोरेशन को वापस पैसा देना, और उसके अंदर वो जो आपने 50 लाख रुपये में जो 35 लाख बचे हैं उसके अंदर जो अभिवृद्धि करना था सुंदर करना था वो उसके अंदर नहीं हो रहा है, क्यों बोल तो वहाँ पे बजट कम है तो इसलिए जरा काम अच्छा नहीं हो रहा, ग्रिल बिठाना है एक आज गेट बनाना है वो तो उतना पैसे में नहीं हो रहा, इसीलिए महानगर पालिका जो एस्टिमेट बनाए थे उसके अंदर 80 लाख रुपये का एक एस्टिमेट का खर्च हो रहा है, तो इसीलिए जरा अप्पू गोड़ा के साहब ने जो अन्नदाना दो जास दिया बोलो तो वहाँ पे अभिवृद्धि भी होता है, काम भी अच्छा होता है और दिखने में लोग को भी दिखने में अच्छा दिखता है बोल के आज हम लोग मनवी दे रहे हैं। जो जितना जल्दी होता है अभी ये साल में जो बाबा साहब की 14 अप्रैल का जयंती है, जयंती के अंदर उसका पूरा कंप्लीट वो काम कंप्लीट होना बोल के आज हम लोग मनवी दे रहे हैं। तो अप्पू गोड़ा साहब ने अभी नहीं आए उसके बाद मिलकर एक मनवी दे के हम जो अप्पू गोड़ा साहब क्या बोलते हैं उसका सुन के अगले एक्शन बाद में लेते हैं।